हेलो फ्रेंड्स, अ वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। ये जो रीडिंग आप देख रहे हैं ये है मूवी सायरा नरसिम्हा रेड्डी के लिए, जो कि कल 2 अक्टूबर 2019 के दिन रिलीज होने जा रही है ऑल ओवर इंडिया। तो कैसा रहेगा, काफ़ी सारे लोग मुझे काफ़ी टाइम से बोल रहे थे, मुझे टाइम नहीं मिला इसके लिए, कर नहीं पाया था। आज यह है रीडिंग सायरा नरसिम्हा रेड्डी मूवी के लिए। सो दिस इज़ अ कार्ड फॉर चिरंजीवी, ही विल बी हैप्पी 2 अक्टूबर विद द रिलीज। सुरेंद्र रेड्डी, ही विल ऑल्सो बी हैप्पी विद द रिव्यूज ही विल बी गेटिंग। रामचरण जी, प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म, नॉट सो हैप्पी, इनका दिन बहुत अच्छा नहीं रहेगा। अब पहले 3 दिन का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, ये रहे सुरेंद्र रेड्डी जी के कार्ड, जो कि फिल्म के डायरेक्टर हैं। ये है रामचरण जी के कार्ड। फिर 2 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक, इसका मतलब धीरे धीरे करके ये फिल्म थोड़ी स्पीड पकड़ेगी। पहले दिन जो बिजनेस होगा ये फिल्म का, इट विल नॉट बी एज एक्सपेक्टेड। जिस तरह से ये फिल्म बनाई गई है, जिस लेवल पे, जिस बजट पे बनाई गई है, क्योंकि रामचरण जी के कार्ड से दिखता है उस तरह की ओपनिंग, एक्सपेक्टेड ओपनिंग नहीं मिलेगी। बट इन फर्स्ट 3 डेज धीरे से ये फिल्म स्पीड पकड़ेगी और 10 अक्टूबर तक ये फिल्म रिलेटिवली अच्छा बिजनेस करेगी। देखिए, पेज ऑफ कप्स है, इसका मतलब बहुत ज़्यादा बहुत बेहतरीन बिजनेस नहीं करेगी, लेकिन फिर भी रिलेटिवली अच्छा करेगी, ऐसा इनके कार्ड से दिखता है। फिर मैंने फिल्म के नाम से चेक किया, रिलीज डे बहुत अच्छा, फर्स्ट 3 डेज परफॉर्मेंस बहुत अच्छा, लेकिन 5 अक्टूबर के बाद से डेथ कार्ड। डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर मैंने पूछा कि 200 करोड़ पार करेगी क्या, पर टावर कार्ड आया नहीं। यानी ये फिल्म बोलते ना, हो सकता है 100 करोड़ के ऊपर चली जाए, बट एक्सपेक्टेड बिजनेस नहीं करने वाली ये है। जैसा कि सोच थी कि बाहुबली, जैसा बाहुबली बनी थी उसी तरह की, इसमें भी स्टंट्स हैं, उसी तरह की मूवी है, ये बहुत बड़ी स्टार कास्ट है, बट यहाँ पे साफ साफ दिखता है कि एक्सपेक्टेड बिजनेस ये मूवी को नहीं मिलेगा। ये 100 करोड़ से 150 करोड़ तक भी कर लेगी तो बहुत रहेगा। ये 8-10 दिन के बाद ये फिल्म खुश हो जाएगी, ये बात पक्की है। दैट्स इट फॉर नाउ। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने कमेंट्स, सजेशंस, फीडबैक्स हमेशा देते रहें।